है पाकिस्तान की अब, पाकिस्तानी मीडिया जहां पर लाइव विजुअल्स भी आप देखते हैं कि सपोज बाबर आजम आउट होते हैं तो उनके कुछ मीडिया के लोग नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं कि वो बाबर आउट होगा और पाकिस्तान हार गया। क्या आप हिंदुस्तान में वो चीज एक्सपेक्ट कर सकती हैं? हिंदुस्तान में बल्कि हमें गुस्सा जरूर आ जाता होगा कई बार, वो चैट गुस्से में, सपोज इंडिया ऐसा हार गया तो आप यू गेट कैरिड अवे गुस्से में आके, क्योंकि वो फैन का गुस्सा भी होता है, आपके अंदर एक फैन है। तो हम लोग तो यार फिर भी मुझे लगता है समझदार नेशन है हम। हमारे यहां पे कोई नहीं ऐसे करता कि उसने रन बनाए तो भी गाली, ना बनाए तो भी गाली। उसने रन बना के बाबर ने मैच जिता दिया पाकिस्तान को तो गाली खाता था कि ये क्या बैटिंग है, ये कोई बैटिंग है? आज उसके रन नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है तो गाली खा रहा है, बताओ इसको बाहर निकाल दो। ऐसे ही ये सब बातें हैं खुशी। पाकिस्तान मैच से एक दो दिन पहले और माहौल इस बार मुझे इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं लगा। मतलब बहुत से इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में मैचेस मैंने वर्ल्ड कप्स के कवर किए हैं मैदान से। सबसे पहला जो मैदान पर जाकर मैंने इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच कवर किया था वो 2003 सेंचुरियन इंडिया पाकिस्तान गेम था। उस गेम का जो मैंने माहौल देखा है वो शायद कभी मैच नहीं हुआ। शायद 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली में जो दोनों टीमों का था, बट मोहाली। अनफॉर्चुनेटली मैं मोहाली गया नहीं था। उसके अलावा हकीकत मैं आपको बताऊं, ये विराट कोहली ने जिसमें T20 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मैच में रन बनाए, उसमें भी वो माहौल नहीं था जो 2003 में देखा। तो खुशी इस बार जब गए हम न्यूयॉर्क वाला वो मैच था, कसम से आपको बता रहा हूं, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई सम अदर मैच, ऐसे ऑर्डिनरी सा मैच है। उसमें इंडिया पाकिस्तान का कुछ रंग ही नहीं था। मिसाल मैच भी बड़ा अजीब सा था। न्यूयॉर्क में क्रिकेट वैसी ऐसे बड़ी अजीब सी थी। हाँ बहुत इंडियन फैंस थे, हाँ कुछ पाकिस्तानी फैंस भी थे, माहौल बना नहीं पाए। नीरस मैच हुआ, इंडिया 119 ऑल आउट हो गया, यस मैच और तो बाहर करते ही करते हुआ। करते 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 इंडिया ने कमबैक कर लिया, इंडिया मैच जीत गया। बावजूद इसके जब हम होटल गए पता ही नहीं चला यार कि ये पाकिस्तान को हरा के आए। बिकॉज आप माने ना माने, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो भी सच आईना नहीं देख रही है, वो मुकाबले में ही नहीं थे। बाबर आजम अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, 50 या सेंचुरी करते हैं, तो उन पर तनकीद होती है कि उन्होंने 50 या सेंचुरी अपने लिए किया, टीम के लिए कुछ भी नहीं किया। और अगर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं तो तनकीद की जाती है कि बाबर आजम ने टीम के लिए कुछ नहीं किया, फ्लॉप हो गए, उनकी वजह से टीम मैच हार गई। ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। विक्रांत गुप्ता ने टीवी इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई कि बाबर आजम पर तनकीद की जाती है उनके मुल्क की जानिब से, और पाकिस्तान का तमाम छोटा बड़ा मीडिया, तमाम जर्नलिस्ट सिर्फ बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता कहना है कि दुनिया जानती है कि बाबर आजम एक किंग है, बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में पैदा हुआ, बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी शायद ही कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख में आया हो कि इसने इतनी फास्ट डेब्यू किया, बहुत तेज ऊपर गया और बहुत देर तक पाकिस्तान टीम में कैप्टन रहा। लेकिन पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर, यहाँ तक के पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन भी, वो भी जब बाबर आजम स्कोर करते हैं तो वो तनकीद करते हैं कि बाबर आजम ने अपने लिए खेला। हाँ अगर बाबर आजम 50 स्कोर की तो क्या 50 टीम के टोटल में शामिल नहीं हुई, 100% शामिल हो गई, तो फिर अपने लिए क्या खेलना। और अगर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं तो कहा जाता है कि सारे की सारी हार कर दिया जाता है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम फ्लॉप हो गए। अगर बाबर आजम को सारा कर दिया जाता है तो बाबर आजम के अलावा टीम में 10 खिलाड़ी है वो किस लिए है, टीम में 5 बैट्समैन है वो किस लिए है कि जब सब कुछ करना ही बाबर आजम ने। विक्रांत गुप्ता कहना है कि जिस तरह इंडिया के अंदर विराट कोहली को सपोर्ट किया जाता है, अगर विराट कोहली अच्छा करे तो कहते हैं ऑल इज बेस्ट, और अगर विराट कोहली फ्लॉप हो जाए तो कहा जाता है कोई मसला नहीं, विराट कोहली कम बैक कर लेंगे, और इसी वजह से विराट कोहली मजीद मोटिवेट होते हैं और अगले मैच में बेहतर परफॉर्म करते हैं। जबकि बाबर आजम पर पाकिस्तान इतनी ज्यादा तनकीद होती है कि तनकीद के बावजूद बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। यही वजह है कि बाबर आजम को 2 टेस्ट मैच ड्रॉप किया गया सिर्फ इस वजह से कि उनको मजीद डीमोटिवेट किया जाए, लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म पर काम किया और आगे ही आकर पहले ही ODI में सरप्राइज किया। लेकिन सरप्राइज करने के बावजूद पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बाबर आजम से किसी भी सूरत खुश होने को तैयार। जहां पर लाइव विजुअल्स भी आप देखते हैं कि सपोज बाबर आजम आउट होते हैं तो उनके कुछ मीडिया
के लोग नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं कि वो बाबर आउट होगा और पाकिस्तान हार गया। क्या आप हिंदुस्तान में वो चीज एक्सपेक्ट कर सकती हैं? हिंदुस्तान में बल्कि हमें गुस्सा जरूर आ जाता होगा कई बार, वो चैट गुस्से में, सपोज इंडिया ऐसा हार गया तो आप यू गेट कैरिड अवे गुस्से में आके, क्योंकि वो फैन का गुस्सा भी होता है, आपके अंदर एक फैन है। तो हम लोग तो यार फिर भी मुझे लगता है समझदार नेशन है हम। हमारे यहां पे कोई नहीं ऐसे करता कि उसने रन बनाए तो भी गाली, ना बनाए तो भी गाली। उसने रन बना के बाबर ने मैच जिता दिया पाकिस्तान को तो गाली खाता था कि ये क्या बैटिंग है, ये कोई बैटिंग है? आज उसके रन नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है तो गाली खा रहा है, बताओ इसको बाहर निकाल दो। सो ऐसे ये सब बातें हैं खुशी। पाकिस्तान मैच से एक दो दिन पहले और माहौल इस बार मुझे इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं लगा। मतलब बहुत से इंडिया पाकिस्तान मैचेस मैंने वर्ल्ड कप्स के कवर किए हैं मैदान से। सबसे पहला जो मैदान पर जाकर मैंने इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच कवर किया था वो 2003 सेंचुरियन इंडिया पाकिस्तान गेम था। उस गेम का जो मैंने माहौल देखा है वो शायद कभी मैच नहीं हुआ। शायद 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली में जो दोनों टीमों का था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मोहाली गया नहीं था। उसके अलावा हकीकत मैं आपको बताऊं, ये विराट कोहली ने जिसमें T20 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मैच में रन बनाए, उसमें भी वो माहौल नहीं था जो 2003 में देखा। तो खुशी इस बार जब गए हम न्यूयॉर्क वाला वो मैच था, कसम से आपको बता रहा हूं, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई सम अदर मैच, ऐसे ऑर्डिनरी सा मैच है। उसमें इंडिया पाकिस्तान का कुछ रंग ही नहीं था। मैच भी बड़ा अजीब सा था, न्यूयॉर्क में क्रिकेट वैसी बड़ी अजीब सी थी। हाँ बहुत इंडियन फैंस थे, हाँ कुछ पाकिस्तानी फैंस भी थे, माहौल बना नहीं पाए। नीरस मैच हुआ, इंडिया 119 ऑल आउट हो गया। Yes, मैच और करते 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 इंडिया ने कमबैक कर लिया, इंडिया मैच जीत गया। बावजूद इसके जब हम होटल गए पता ही नहीं चला यार कि ये पाकिस्तान को हरा के आए। बिकॉज आप माने ना माने, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो भी सच आईना नहीं देख रही है। वो मुकाबले में ही नहीं थे, वो तो उनके बॉलर्स ने या वो पिच ऐसी थी या हमारी बैटिंग ऐसी थी, ऊपर से विकेटें गिर गई। तो वर्ल्ड कप ऐसे चलते चलते आई थिंक पाकिस्तान को हरा के ये तो पता था हम जाएंगे आगे। जब न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया और आप सुपर सिक्स में बारबाडोस में जाके जब पहला ही मैच अफगानिस्तान को, थोड़ा सा हिकअप होता है।